मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जेपी सीमेंट द्वारा अवैध कब्जे का मामला एक बार फिर प्रकाश में आया है। बताया जाता है कि राजकुमारी मिश्रा निवासी नौबस्ता, जो कि विधवा औरत है, जेपी सीमेंट के द्वारा पीड़ित की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है, जिसकी उन्होंने याचिका हाई कोर्ट में लगाई थी। हाई कोर्ट का आदेश है कि पीड़ित की जमीन को 60 दिन के अंदर खाली कर दी जाए, पर जेपी सीमेंट के द्वारा आज तक ना तो जमीन खाली की गई और ना ही मुआवजा दिया गया। जेपी सीमेंट को हाई कोर्ट द्वारा 60 दिन की मोहलत दी गई थी, पर हाई कोर्ट के आदेश की भी अवहेलना की जा रही है। आपका नाम, आपकी जमीन में जेपी सीमेंट द्वारा अवैध कब्जा किया गया था, उसके खिलाफ आप याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में, उसमें क्या हुआ? मेरा नाम राजकुमारी मिश्रा है, मैं एक विधवा औरत हूँ। जबलपुर हाई कोर्ट में मैंने याचिका दायर की थी, वहाँ से रीवा कलेक्टर को आदेश हुआ कि 60 दिन के अंदर इनकी ज़मीन खाली कराई जाए। ना आज तक ज़मीन खाली की गई, ना उसका कोई मुआवजा नुकसान दिया गया। जेपी सीमेंट के बारे में कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं कागज़ लेके दर दर भटक गया।